बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह आज जाएंगे काशी, चुनावी तैयारियों पर करेंगे मंथन। खुर्शीद के खिताब पर सियासी बवाल, डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। जिन्ना वाले बयान पर ओवैसी ने अखिलेश पर किया हमला। पंजाब विधानसभा में क्यों हुआ हंगामा और गैंगरेप के दोषी यूपी के किस पूर्व मंत्री को आज सजा मिलने वाली। राजनीतिक खबरों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की चुनाव तैयारियों का जायजा लेने आज यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। शाह आज पीएम के चुनाव क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह कल आजमगढ़ में पार्टी की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या के फैसले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब पर बीजेपी का हमला जारी है। कहा, खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना ISI से कर बहुसंख्यकों को ठेस पहुंचाई है। सलमान ने सोनिया और राहुल के इशारे पर हिंदुओं का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस भी सलमान खुर्शीद की किताब पर डैमेज कंट्रोल में जुटी है। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और ISI जैसे संगठनों से करना गलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओवैसी ने सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश को इमेच्योर बताते हुए कहा कि कोई अंगूठा छाप उन्हें कुछ भी लिख कर दे देता है और वो बोल भी देते हैं। ओवैसी ने कहा कि जिन्ना ने भारत के टुकड़े करवाए और पाकिस्तान बनवाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव MY समीकरण के साथ ही अब OBC वोट बैंक साधने में जुट गए हैं। कल यूपी के मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया है। सपा सरकार बनते ही राज्य में पिछड़ों की गिनती कराई जाएगी। अखिलेश ने कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी के बयान पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि जो किसान नेता गुपचुप बात करेगा वो भी सवालों के घेरे में आएगा। TV9 से खास बातचीत में धर्म सिंह ने किसानों और यूपी सरकार की बातचीत का दावा किया था और कहा था कि जल्द ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। पंजाब विधानसभा में कल जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद अकाली विधायक भड़क गए। कांग्रेस और अकाली दल के विधायक आमने सामने आ गए। CM चन्नी की स्पीच के दौरान हाथापाई की नौबत तक आ गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की है। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन हमेशा सही को सही कहते हैं। जब पंजाब सरकार ने पानी के मामलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर वाटर टर्मिनेशन बिल को पंजाब में लागू किया था, वो एक सराहनीय और दमदार कदम था और वो उसकी तारीफ करते हैं। गैंगरेप केस में दोषी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और दो अन्य को आज सजा सुनाई जाएगी। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार में खनन मंत्री रहे हैं। उन्हें MP MLA कोर्ट ने चित्रकूट गैंगरेप केस में दोषी करार दिया है। तीनों अभियुक्तों को अधिकतम उम्र कैद या मृत्यु दंड की सजा मिल सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गाड़ियों में इथेनॉल को अन्य ईंधन की तुलना में सस्ता और प्रदूषण मुक्त विकल्प के रूप में उपयोग करने पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में फ्लेक्स ईंधन इंजन अनिवार्य कर दिया जाएगा। गडकरी मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान NCV सुप्रीमो शरद पवार भी साथ नजर आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।